10 जुलाई को रेवा तट के किनारे विराजमान होकर निर्यापक मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज ने भक्तों को नर्मदा नदी के महत्व से अवगत कराया। जबलपुर की धरा पर विहार कर रहे निर्यापक मुनिश्री ससन के सानिध्य में नगरवासियों ने ज्ञान अर्जन किया। देशना में मुनिवर ने बताया कि नर्मदा नदी और रेवा नदी एक ही है। जैन दर्शन में नर्मदा नदी के लिए उल्लेख आया है कि इसका दूसरा नाम रेवा तट भी है, रेवा नदी भी कहलाती है। संस्कारधानी जबलपुर में विहार कर रहे निर्यापक मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज ससंघ का पदार्पण 10 जुलाई की सुबह रेवा तट पर हुआ। मुनि संघ का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। इस दौरान मुनिवर ने बताया कि नर्मदा नदी के तट से अनेक साधु और संतों ने साधना कर मोक्ष की प्राप्ति की है। इसकी विशेषता बताते हुए जैनाचार्यों ने लिखा है कि इस नदी के तट के किनारे पर ऐसे अनेक महान महान साधुओं ने, तपस्वियों ने दिगंबर अवस्था में साधना की है और इस तट के किनारे से मोक्ष को प्राप्त किया है। जिस नदी के किनारे स्थान पर वह निषेध का कहलाती है, जहाँ पर दिगंबर साधु अपनी तपस्या करते हैं, साधना में लीन रहते हैं। आगे मुनिवर ने बताया कि रेवा तट और नर्मदा नदी के किनारे कई संत साधना करते हुए मोक्ष प्राप्त करने की भावना भाते हैं। चौथे काल में गर्मियों में आग बरसती है तो पहाड़ों पर बैठ कर के तपस्या करते हैं और जब ठंड पड़ती है यहाँ तक कि बंदरों का भी बंदरों का भी मान गल जाता है, इतनी ठंड पड़ती है। ऐसी ठंड, भीषण ठंड के समय भी इस रेवा नदी, नर्मदा नदी के तट पर ऐसे दिगंबर मुनिराज अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, पंच परमेश्वर का ध्यान करते हैं। इसके साथ मुनिश्री ने भक्तों को बताया कि आचार्य श्री ने लिखा है कि शीत ऋतु में भी नदी तट के किनारे साधना करने वाले संतों ने इस जगह की ऊर्जा को और अधिक प्रभावित कर दिया है। आदर्श विद्यासागर महाराज जी ने कहा है, लिखा है कि धन्य है वे मुनिराज जो नदी किनारे तट पर शीत ऋतु, जिसको कहते हैं कि जनवरी दिसंबर की शीत ऋतु में ठंड के समय भी वे दिगंबर मुनिराज अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं और धैर्य रूपी कंबल, गति कंबल, ऐसे कंबल को ओढ़ करके तो दिगंबर अवस्था में पूरी तरह से शरीर के प्रति निरीता, निष्पता को, ऐसे भाव को रखते हुए अपनी आत्मा की साधना करते हैं। गौरतलब है कि कुंडलपुर से विहार कर निर्यापक मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज ससंग जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। इस क्रम में ही मुनिसंघ का पदार्पण 10 जुलाई की सुबह रेवा तट पर हुआ था। जैन फोकस के लिए जबलपुर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।